सरकार ने सबसे पहले तो हमें बेवकूफ़ बनाया, 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं निकाली, जिनके चलते कई युवा ओवरएज हो गए। शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए विद्यार्थी। मुजफ्फरपुर एआरओ के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोगों का मेडिकल फिट है, लेकिन आर्मी एग्जाम, सी एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया। तो 2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी जो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए अब मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद क्या, मतलब साइंस में पढ़ने के बाद में एनसीसी भी किया मैंने। अरे हम लोग तो मीडिया बना दो सेवा के लिए सम्मानित अपना जीवन करना चाहते हैं, समर्पित करना चाहते हैं, लेकिन 4 साल में आप किस तरह का सेवा कर पाइएगा? हम लोग 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं
और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया, 2-3 बार एडमिट कार्ड दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है, एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा रिटर्न एग्जाम लिया जाए और हमारा जो एग्रीमेंट के तहत मेरा भर्ती लिया गया था उस जैसे पहले था उससे मेरा भर्ती लिया जाए और TOT वापस लिया जाए। भर्ती के तहत हम लोग शारीरिक परीक्षण और मेडिकल परीक्षण में हम लोग सफल हुए विद्यार्थी। मुजफ्फरपुर AR के अंतर्गत 8 जिला आता है, 8 जिला के अभ्यर्थी हम लोग यहाँ आए हुए हैं। 2 साल से हम लोग का मेडिकल फिट है लेकिन आर्मी एग्जाम CE एग्जाम बार बार कोरोना को काल को बताकर पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। हम लोग को आर्मी एग्जाम चाहिए, हम लोग 2 साल से इंतजार कर लिए है, हम लोग सब्र का बहुत अहम सीमा पार कर चुके हैं, हम लोग को अब नहीं सहना है, हम लोग को लिखित आर्मी चाहिए। TOD का हम लोग विरोध करते हैं, TOD हम लोग को नहीं चाहिए। हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जो लोग शिक्षित हैं और वो जानते हैं कि हम शिक्षित हैं और हम ये चीज़ पा सकते हैं, उनको भी वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। ये प्राइवेटाइजेशन के कारण ये 4 साल 3 साल 2 साल का आप अगर हर संस्था में नियम लगाते चलेंगे तो कहाँ से इतने बच्चे तैयारी के लिए आगे। भारत की जो दशा होगी बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, क्योंकि सेना का सेवा कोई यहाँ पे पैसा के लिए नहीं प्रोटेस्ट कर रहा है कि हमको सैलरी 40 नहीं 50 हज़ार चाहिए, वहाँ पे यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है कि हमें काम आगे दिन तक चाहिए। आर्मी के लिए सब लड़का 4 साल के लिए जो होगा थोड़ी, इतना लड़का सब तैयारी कर रहा है, 3 साल ले ये नियम लगा हुआ है, कोई वैकेंसी नहीं आ रहा, चारों तरफ से प्रतिबंध है, बेरोजगार आदमी कहाँ जाएगा, सड़क पर ही जाएगा तो कहाँ जाएगा। सरकार ने सबसे पहले तो हमें बेवकूफ़ बनाया, 2-2.5 साल से भर्तियां नहीं निकाली जिनके चलते कई युवा ओवर एज हो गए, और अब जो TOD के थ्रू ये भर्तियां निकालने की बोली है वो भी ऐसी निकाली है कि 4 साल बाद में वो युवा बेरोज़गार हो जाएगा। जो युवा काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे, ये तो सर अन्याय किया है युवाओं के साथ। और चलो ये TOD जो भी है हम इसको स्वीकार भी कर लेंगे अगर 4 साल के बाद हमें या तो उचित पेंशन दी जाए या फिर हमें सशस्त्र बल वगैरह इनमें कोई ना कोई नौकरी दी जाए। और मैंने सर NCC की है, 3 साल का मैंने NCC का कोर्स लिया है, सी सर्टिफिकेट लिया है, और वो मैंने NCC सिर्फ इंडियन आर्मी के लिए की थी, और अब 3 साल की NCC की और अब सिर्फ 4 साल की नौकरी, इसमें तो सर बहुत हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। हम 4 साल की नौकरी के बाद बेरोज़गार घूमेंगे, ना ही हमारे पास कोई दूसरा संसाधन बचेगा जिसके द्वारा हम पैसे कमाएं। और अगर ये TOD वापस नहीं ली गई तो कई युवा इससे सुसाइड भी करेंगे।
हम तो 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और मैं अभी जो कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरे लिए अब मेरा लास्ट चांस है। उसके बाद क्या मतलब साइंस में पढ़ने के बाद में एनसीसी भी किया मैंने, उसके बाद आर्मी में अगर 4 साल के बाद हो भी गया तो उसमें से एक निराशा था, क्योंकि हम सोच रहे थे कि अपने से कि मेरे पापा से आर्मी में डेथ के बाद मैंने सोचा था कि मैंने अपना जो आर्मी की ज़िंदगी है मतलब उसमें पूरा देश के लिए मतलब निछावर करना है। तो जब अब बात अब पता चला कि सिर्फ 4 साल की नौकरी है, उसके बाद हमें ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन तब भी ठीक ही है 4 साल के लिए, लेकिन उसके बाद क्या हमारा हमारे अंदर जो देश का जो मातृभूमि के लिए जो कुछ करने के लिए जो जुनून है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पूरे जीवन ही देश के लिए समर्पित कर देने के लिए हम चाहते हैं। और जब हमें मालूम चला अग्निपथ स्कीम के द्वारा कि सिर्फ 4 साल के लिए ही हमारे जो सेना में भर्ती होंगे, तो उसके बाद हम हमारे दोस्त और काफ़ी सारा हम लोग बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी हम लोग एक पिछले वर्ग के आदमी होने के वजह से हम लोग एक दिन भर हम लोग जो इंडियन आर्मी का जो भर्ती के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और निराशा इस बात की हो रही है कि 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे।